Hello students, I am Ruchika from English Academy. I welcome you all to this class, and today I have another lesson for students of class 10th from your English First Flight book. This is chapter number 8 from your books. The title is Midgewill the Otter, written by Gavin Maxwell. Now in this video lesson, I'll explain the chapter to you and I'll also discuss the difficult word meanings. But before proceeding with the chapter, I'll give you an introduction and we'll discuss the title. Midgewill the Otter. Midgewill, what is Midgewill? Midgewill is the name of an otter. Otter kya hota hai? Typical janwar hai. Yahan par aap uski photo dekh sakte hain. Ise Hindi mein ood bilav kaha jata hai. अब ये जो स्टोरी है यहाँ पर राइटर गैविन मैक्सवेल हमें ये बता रहे हैं कि एक बार वो ये फैसला लेते हैं कि वो एक ऑटर को एक पालतू जानवर की तरह रखेंगे. तो कैसे उन्हें एक ऑटर मिलता है, उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं इसके साथ, वो ही यहाँ पर उन्होंने हमें बताए हैं. और गैविन के पेट ऑटर का नाम है मिचविल, इसीलिए उन्होंने स्टोरी का नाम रखा है मिचविल द ऑटर. सो इट्स वेरी क्लियर हमें स्टोरी में क्या पता चलेगा, हमें ऑटर्स के बारे में पता चलेगा, कैसे गैविन ऑटर पालने की सोचते हैं, कैसे उन्हें एक ऑटर मिलता है, वो उसका नाम रखते हैं, और फिर क्या क्या टिपिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं जब वो ऑटर को पेट की तरह रखते हैं. यही सब बहुत ही अच्छे से गैविन ने स्टोरी में बताया है. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. गैविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमिसफर्ना इन द वेस्ट हाइलैंड्स इन स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड इज अ कंट्री लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप. यहाँ पर आप उसका मैप देख सकते हैं. तो इसके वेस्टर्न हाईलैंड वाले एरिया में एक जगह का नाम है कैमिसफर्ना, जहाँ पर गैविन रहते हैं. व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन. मैक्सवेल का एक पेट डॉग था जिसका नाम था जॉनी. जब वो मर गया तो उसके बाद मैक्सवेल बहुत दुखी थे और वो एक और पेट डॉग नहीं रखना चाहते थे. बट Life without a pet was lonely. Read what happens then in Maxwell's own words. अब मैक्सवेल को पेट रखने की इतनी आदत पड़ गई थी कि बिना एक पेट के रहना उन्हें बहुत लोनली फील होता था, अकेलापन महसूस होता था. और इसके बाद क्या होता है मैक्सवेल ने इस कहानी में हमें बताया है, आइए पढ़ते हैं. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. तो ये जो स्टोरी है ये किस साल की है, 1956. गैविन मैक्सवेल नए साल में यानी कि जनवरी 1956 में सदर्न इराक गए. इराक कहाँ पर है, यहां देख सकते हैं वर्ल्ड मैप, एशिया में ये कंट्री है इराक, द रेड कलर्ड पोर्शन, एंड दिस इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इराक. इट्स एन इस्लामिक कंट्री. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Kamisferna, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. Crossed my mind means a thought came into my mind. आपके दिमाग में कोई विचार आना. Stone's throw means a very short distance. कोई चीज अगर बहुत निकट है, बहुत पास है, तो आप कह सकते हैं it's at a stone's throw. Eminently means very, means highly suitable. तो अभी backdrop में past में क्या हुआ है, recently Gavin का pet dog Johnny मर गया है और अब उनके पास कोई भी pet नहीं है. उसके बाद जैसे कि नया साल चढ़ा तो January 1956 में Gavin southern Iraq जा रहे थे और तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि उन्हें एक dog की जगह एक otter को pet की तरह रखना चाहिए. और उन्होंने सोचा कि बिल्कुल सही ख्याल है, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं कैमिसफर्ना वो पानी के बहुत पास है, समुंदर उनके घर के बहुत पास है, और इसलिए उन्हें लगा कि कैमिसफर्ना में एक ऑटर को रखना एक सूटेबल आइडिया है, क्योंकि कैमिसफर्ना एक सूटेबल स्पॉट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए. एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ऑटर को पेट की तरह रखना. और सूटेबल क्यों है कैमिसफर्ना, क्योंकि ये पानी के बहुत पास है. तो पानी का ऑटर के पेट रखने से क्या लिंक है, ऑटर्स को वाटर बहुत ज्यादा पसंद होता है और इसीलिए
गैविन ने ये सोचा कि जैसे कि वो पानी के बहुत पास रहते हैं, ऑटर को पेट की तरह पालने का जो एक्सपेरिमेंट है उसे करने के लिए उनकी रेजिडेंस एक सूटेबल जगह है। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. Now, what are the Tigris marshes? The Mesopotamian marshes or Iraqi marshes are a wetland area located in southern Iraq and partially in southwestern Iran and Kuwait. यहाँ पर देखिए, दिस इज द मैप ऑफ दिस एरिया, जिस एरिया की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, आप ये देखेंगे ब्लू कलर की जो लाइन है, ये क्या है? ये टिग्रिस नाम की नदी है जो कि इराक, ईरान और कुवैत में बहती है। किसी भी नदी के आसपास का जो एरिया होता है, वेटलैंड एरिया, उसे मार्श कहा जाता है, और टिग्रिस के आसपास के एरिया को टिग्रिस मार्श कहा गया है। इसे मेसोपोटामियन या फिर इराकी मार्श भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया क्या है? ये एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन थी जो कि यहाँ पर लोकेटेड थी, और इराक, जैसे कि हमें पता है, टिग्रिस नदी मेजर इराक में से बहती है, इसलिए इस वेटलैंड को इराकी मार्श भी कहा जाता है। तो गैविन ने अपना ये विचार अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर किया कि मैं एक ऑटर को एक पेट की तरह रखना चाहता हूं, और उनके फ्रेंड ने रिप्लाई किया कि तुम्हें एक बहुत अच्छा ऑटर टिग्रिस मार्शेस के एरिया से मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऑटर्स पाए जाते हैं। दे आर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, तो जैसे मच्छर हर जगह अबंडेंस में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे ही इस एरिया में ऑटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, और बहुत बार तो वहां के रहने वाले जो अरब्स हैं वो ऑटर्स को पालतू जानवर की तरह रखते भी हैं। We were going to Basra to the consulate general to collect and answer our mail from Europe. तो गैविन और उनका फ्रेंड बसरा जा रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द लोकेशन ऑफ बसरा इन इराक। तो ये दोनों बसरा जा रहे थे टू द कॉन्सुलेट जनरल, दैट इज द एम्बेसी, यानी कि उनकी कंट्री स्कॉटलैंड का ऑफिस। तो वहां वो जा रहे थे यूरोप से आने वाली मेल को कलेक्ट करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए। तो हमें लगेगा कि आजकल तो हम ईमेल्स या फिर व्हाट्सएप द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ये लोग एम्बेसी गए हैं एक अलग शहर में सिर्फ अपनी मेल्स रिसीव और आंसर करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कहानी है ये है 1956 की। तब ना तो ईमेल्स थी ना तो व्हाट्सएप था, तब सारी कम्युनिकेशन इसी तरह होती थी, टेलीग्राफ द्वारा या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन द्वारा। तो जैसे कि ये दोनों किसी फॉरेन कंट्री में आए हुए थे, स्कॉटलैंड से इराक में, तो इन्हें अपनी एम्बेसी द्वारा ही सारी मेल्स लेनी देनी पड़ती थी, और इसी वजह से ये लोग बसरा गए थे। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। अब वहां जाके इन्हें पता लगा कि गैविन के फ्रेंड की मेल्स तो आ गई हैं, लेकिन गैविन की मेल्स अभी तक नहीं आई हैं। I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. Cabled means to send a message by telegraph. Telegraph एक old method था communication का, आजकल ये बंद हो चुका है। इसमें क्या होता था, पोस्ट ऑफिस द्वारा कोई भी इमरजेंसी मैसेज है जो वो आप किसी को भेज सकते थे। तो जैसे कि गैविन की मेल्स नहीं आई थी, उन्होंने इंग्लैंड एक मैसेज भेजा थ्रू टेलीग्राफ, लेकिन 3 दिन तक कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने टेलीफोन करने की कोशिश की। टेलीफोन की कॉल भी उन्हें 24 आवर्स पहले बुक करनी पड़ती थी। ऐसा सब भी पहले हुआ करता था इन ओल्डन टाइम्स। दीस डेज दीस थिंग्स आर नॉट देयर, एवरीवन हैज अ मोबाइल फोन एंड यू कैन जस्ट कॉल अप एनीवन एनी टाइम, बट इन दोज डेज मींस ऑफ कम्युनिकेशन वर वेरी ओल्ड, द टेक्नोलॉजी वाज प्रीटी ओल्ड। एंड तब क्या होता था, अगर आपको किसी को कॉल करना है तो वो भी आप एक ऑफिशियल वे से ही कर सकते थे, उसके लिए आपको कॉल बुक करनी पड़ती थी, और 24 आवर्स बाद यानी कि अगले दिन आपकी कॉल मिलाई जाती थी।
तो ऐसे ही गैविन ने भी इंग्लैंड के लिए कॉल बुक कर दी। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। तो अब गैविन बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कम्युनिकेशन में। उन टाइम्स में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी। पहले दिन यानी कि कॉल बुक करने के 24 आवर्स बाद जब उनकी कॉल लगनी थी तो उस दिन क्या हुआ, लाइन खराब थी, आउट ऑफ ऑर्डर थी, इट वॉज नॉट वर्किंग। सेकेंड डे यानी कि अनदर 24 आवर्स हैड पास्ड, उस दिन क्या हो गया, एक्सचेंज बंद था, टेलीफोन एक्सचेंज वॉज क्लोज बिकॉज देयर वॉज अ रिलीजियस हॉलीडे। उसके बाद क्या हुआ, ऑन द थर्ड डे वॉज अनदर ब्रेकडाउन, तीसरे दिन यानी कि अनदर 24 आवर्स देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन, कोई और प्रॉब्लम आ गई थी लाइन में, वो खराब हो गई थी। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। अब 3 दिन तक राइटर इंग्लैंड बात नहीं कर पाए, उनका फ्रेंड इंतजार कर रहा था, लेकिन फाइनली वो चला गया और उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि वो 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। और उस दिन के 5 दिन के बाद गैविन की मेल आ गई। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड देयर स्क्वॉटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs, बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्वर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्क्वर्म्ड मीन्स ट्विस्टेड अबाउट, यानी कि हिलना डुलना, एक ही जगह पर बैठे बैठे अगर आप ट्विस्ट कर रहे हैं, हिल रहे हैं। अब जब 5 दिन के बाद फाइनली गैविन की मेल आई तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, वो अपने बेडरूम में चले गए उसे पढ़ने के लिए। और वहां पर उन्होंने देखा कि फ्लोर पर स्क्वैट करके, स्क्वैट मीन्स टू सिट विद क्रॉस लेग्स, जिसे हम कहते हैं चौंकनी मारकर बैठना, ऐसे स्क्वैट करके बैठे हुए 2 Arabs थे। अरब्स मीन्स नेटिव्स ऑफ अरेबिया। और उनके साथ एक बोरी पड़ी हुई थी जो कि धीरे धीरे बार बार हिल रही थी, यानी कि बोरी के अंदर कुछ लिविंग आइटम थी, लिविंग बीइंग था। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माय फ्रेंड, हेयर इज योर ऑटर। अब ये जो अरब्स थे इन्होंने गैविन को एक नोट दिया। नोट में क्या लिखा था, हेयर इज योर ऑटर, यानी कि यहां पर तुम्हारा ऊद बिलाव है। With the opening of the sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. Gavin कहते हैं कि ये sack जैसे ही खुला, उनकी life का एक नया phase, एक नया चरण शुरू हो गया। और वो कहते हैं कि ये phase आज तक खत्म नहीं हुआ और मुझे लगता है कि मेरे खत्म होने से पहले ये phase खत्म नहीं होगा। और वो phase क्या है, वो फेज है उस ऑटर के साथ उनकी जिंदगी का फेज जो कि आज तक चल रहा है। इट इज इन इफेक्ट अ थ्रैल्डम टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। थ्रैल्डम मीन्स एन ओल्ड फैशन वर्ड विच मीन्स बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ समथिंग। थ्रैल्डम मीन्स अगर आप किसी चीज के वश में हैं। ऑटो फिक्सेशन मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑफ फीलिंग टुवर्ड्स ऑटर्स। तो यहां पर राइटर कहते हैं कि वो कौन सा फेज है उनकी लाइफ का जो कि शुरू हुआ सैक खुलने से और अभी तक चल रहा है, उस फेज को उन्होंने नाम दिया ऑटर फिक्सेशन या फिर अ थ्रैल्डम टू ऑटर्स, यानी कि वो ऑटर के वश में थे, उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गई थी ऑटर के साथ। और उन्होंने ये रियलाइज किया कि बहुत सारे लोग जो कि एक ऑटर को एक पेट की तरह रखते हैं वो यही फीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं। द क्रीचर दैट इमर्ज फ्रॉम द सैक ऑन टू द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मिडीवली कंसीव्ड ड्रैगन। क्रीचर हियर मीन्स द लिविंग बीइंग, इमर्ज मीन्स केम आउट, कंसीव्ड मीन्स एन इमेजिनेशन ऑफ द मिडल एजेस। मिडीवली कंसीव्ड मीन्स जो मिडल एजेस थी,
जो हिस्ट्री का टाइम पीरियड था, ओल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का, मिडिवियल हिस्ट्री, तब के समय में जो लोग इमेजिन करते थे चीजें, उन्हें हम मिडिवली कंसीव्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर किस इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं? ड्रैगन की। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मिडिवियल पीरियड के जो लोग थे वो ये इमेजिन करते थे कि ड्रैगन टाइप के कोई क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो ऑटर है जो सैक में से निकला था वो ड्रैगन से रिजेंबल करता था, यानी कि दिखने में वो ड्रैगन जैसा था, और वो सैक में से जंप करके बाहर निकला और कॉन्सुलेट के कमरे का जो बड़ा सा टाइल वाला फ्लोर था उसके ऊपर आकर जंप करने लग गया, और गैविन को ये ऑटर ड्रैगन जैसा लगा। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. What is an armor? Armor is a protective covering made of metal. यहाँ पर आप देख सकते हैं warriors ऐसी protective covering पहनते हैं जो कि पूरी metal की, लोहे की बनी होती है। इसे आर्मर कहते हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि ऑटर की जो बॉडी है, सिर से लेकर उसकी पूंछ तक, पूरी की पूरी बॉडी मिट्टी की कवरिंग से भरी हुई थी, उसके ऊपर पूरी मिट्टी लिपटी हुई थी, और ये मिट्टी के बीच बीच में से उसकी सॉफ्ट वेलवेट की जो फर है, उसकी जो स्किन है, फरी स्किन, वो दिख रही थी। और वो कैसी थी? चॉकलेट ब्राउन कलर की थी और मोल की स्किन जैसी थी। मोल एक अनदर टाइप ऑफ जानवर है, अनदर टाइप ऑफ एनिमल है, क्वाइट सिमिलर टू अ रैट। और यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि इसकी स्किन का जो फर है वो मोल की स्किन के फर जैसा था। ही शुक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स। अब जैसे ही ऑटर ने अपनी बॉडी को शेक किया, हिलाया, तो राइटर ने ये एक्सपेक्ट किया कि बहुत सारी धूल उड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये मिट्टी उसकी बॉडी के साथ चिपकी हुई थी। और पूरा एक महीना लग गया इस मड को उतारने के लिए, और फाइनली एक महीने के बाद उसकी असली स्किन का कलर गैविन को दिखाई दिया। Midgebill, as I call the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologists Leutrogale perspicillata Maxwelli or Maxwell's otter. Christened means named. Christianity religion में जब किसी को name दिया जाता है उसे कहा जाता है कि उसे christened किया गया। तो राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने इस ऑटर का नाम मिजबिल रख दिया क्योंकि मिजबिल की जो रेस है, ये जो काइंड ऑफ ऑटर्स हैं, पहले इन्हें डिस्कवर नहीं किया गया था, और जब इन्हें डिस्कवर किया तो इन्हें डिस्कवर करने वाले जूलॉजिस्ट का नाम था ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलाटी मैक्सवेली, और इन्हीं के नाम पर इस रेस का नाम पड़ा मैक्सवेल्स ऑटर। और मैक्सवेल्स ऑटर नाम से राइटर ने इस ऑटर का नाम मिजबिल रखा। For the first 24 hours, Midgebill was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. Hostile means unfriendly. आप अगर किसी के साथ enmity रख रहे हैं, उसे आप कह सकते हैं to be hostile. Aloof means to remain alone, अकेले रहना, and indifferent means to keep a distance, दूर रहना, दूरी रखना। तो यहाँ पर गैविन कह रहे हैं कि पहले 24 घंटे ना तो मिजबिल उनका दोस्त बना ना ही उनका दुश्मन था, वो सिर्फ अपने में ही रह रहा था और गैविन के बेड से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दूरी रख रहा था। तो अभी ये जो ऑटर है ये गैविन का दोस्त भी नहीं बना था ना ही दुश्मन था, ये उसके साथ एक इनडिफरेंट एटीट्यूड रखे हुए था और अपने में ही रह रहा था। The second night, Midgebill came down to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day, he began to lose his apathy and take a keen
much too keen interest in his surroundings. Apathy means absence of interest, lack of interest. So to lose his apathy means, यानी कि वापस से उसका इंटरेस्ट जाग गया, वो अब इंटरेस्टेड हो गया था अपनी सराउंडिंग्स में. तो यहाँ पर गैविन सेकंड नाइट की बात करें, पहली नाइट तो ऑटर इंडिफरेंट था, अकेले रह रहा था, उनसे बात नहीं कर रहा था और उनके बेड से बहुत दूर था. सेकंड नाइट मिजविल उनके बेड पर आया इन द स्मॉल आवर्स. स्मॉल आवर्स मीन्स मॉर्निंग आवर्स, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग. And remained asleep in the crook of my knees. Now, what is the crook of a knee? आपके घुटने की जो पीछे का एरिया है, जब आप टांग फोल्ड करते हैं और उसको जब खोलते हैं तो जो एरिया बढ़ता घटता है, the back of your leg, knee के पीछे का जो एरिया है उसे crook of the knee कहा जाता है. तो मिजविल गैविन के बेड में घुस आया और उनके घुटनों के पीछे लेट कर सो गया. सुबह जब सर्वेंट चाय लेकर आया तब वो उठा और फिर धीरे धीरे अपने सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेने लग गया. आई मेड अ बॉडी बेड फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वॉटर प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वॉटर and making enough sosh and splash for a hippo. So, यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि ऑटर्स को वाटर कितना ज्यादा पसंद है और कैसे मिजविल ने पानी में खेलना शुरू किया. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बॉडी बेल्ट बनाई जिसके साथ उन्होंने मिजविल को बांध लिया और उसे बाथरूम ले गए. आधे घंटे तक मिजविल पानी में खेलता रहा और वो पागल हो गया. वो पानी में छलांगे मार रहा था, जंप कर रहा था, ऊपर नीचे जंप कर रहा था और सारे पानी में स्लॉश एंड स्प्लैश कर रहा था जैसे कि हिप्पो करता है. आप अगर जू गए हैं, अगर आपने वहां पर हिप्पोपोटामस देखा है तो वो सारा दिन पानी में ही बैठा रहता है. ऐसे ही ऑटर भी पानी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जब राइटर मिजविल को वॉशरूम ले गए, उन्होंने उसे पानी दिखाया तो वो भी पानी को देखकर पागल हो गया और उसमें खेलने लग गया. This, I was to learn, is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. So to speak means as it were, like one could say this. यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं. राइटर ये कह रहे हैं कि ऑटर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक क्वालिटी है कि अगर उन्हें पानी दिख जाए तो वो उसे स्टिल नहीं रहने देते, उसे खड़ा नहीं रहने देते, शांत नहीं रहने देते, वो उसे हिलाते डुलाते रहते हैं. उन्हें पानी में हाथ मारना, उसमें छलांगे मारना, उसे हिलाना, स्प्लॉश करना बहुत पसंद है और वो क्या चाहते हैं कि पानी अपने बर्तन में से छलके बाहर गिरे और वो उसके साथ अलग अलग रेस में खेलना चाहते हैं. वॉटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग. प्रोवोकिंग मीन्स कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन. किसी को उकसाना, किसी को कुछ करने के लिए ललचाना. यहां पर वो फर्दर ऑटर्स की ये क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. वो कहते हैं कि ऑटर्स को मूविंग पानी पसंद है, मोशन होनी चाहिए पानी में. अगर पानी खड़ा है, स्टैटिक मींस टू रिमेन स्टैंडिंग, टू रिमेन स्टिल एट वन प्लेस. अगर पानी एक ही जगह पे खड़ा है तो उन्हें लगता है कि ये पानी बर्बाद हो रहा है और वो उन्हें प्रोवोक करता है, उन्हें इंस्टिगेट करता है कि वो उसे हिलाएं डुलाएं, उसमें मोशन लाएं. Two days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. Do din baad, Mijbil ne kya kiya? Wo writer ke bedroom se bahar nikal gaya aur jaise hi writer turn kiye use dhoondne ke liye to unhone dekha ki wo corridor ke turn se bathroom ki taraf mud gaya hai. तो जैसे ही मिजविल को चांस मिलता था वो बाथरूम में चले जाता था बिकॉज वहां पर क्या है, उसकी फेवरेट चीज पानी.
By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. What is chromium? Chromium is an alloy. It's a metal aur iske saath hi taps banaye jaate. And fumbling means trying to do something in a clumsy manner. जब आप कोई काम ठीक से ना कर पाए सो यू आर फंबलिंग. जैसे ही गैविन बाथरूम में पहुंचे उन्होंने देखा कि मिजबिल बाथटब के किनारे पर चढ़ गया है और वहां पर नलके को छेड़ रहा है अपने पॉज के साथ और उसे खोलने की कोशिश कर रहा है. आई वॉच्ड अमेज्ड. इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न्ड द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वॉटर and after a moment or two achieved the full flow. Gavin chupchap wahan khade hue the aur wo bahut zyada hairan the. He was in a state of shock. Dekhte hi dekhte Mishbil ne tap ko hilaya, thoda thoda pani girne laga aur usne use aur zyada ghumaya, tap full force se khul gaya aur pani behne laga. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. Chittering is the sound produced by Mishbil. जब Mishbil irritated हो जाता था, जब नलका उसे नहीं खुल पाता था, तो वो ऐसी sound produce करता था. तो Maxwell कह रहे हैं कि इस time तो वो lucky था, उसने नलके को सही direction में घुमाया और वो खुल गया. लेकिन कभी-कभी ऐसा होता था कि जब वो टैप को घुमाता था वो उसे रॉन्ग डायरेक्शन में घुमा देता था जिसकी वजह से टैप और टाइटली बंद हो जाता था और पानी नहीं निकलता था. तब Mishbil चिट्टर करता था डिसअपॉइंटमेंट के साथ क्योंकि उसे लगता था कि ये नलका कोऑपरेट नहीं कर रहा और वो खुल नहीं रहा, पानी नहीं आ रहा. वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम. He spent most of his time in play. अब धीरे धीरे Mishbil की ट्रेनिंग हो गई थी. अब Gavin को लीड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था. अब वो उसे खुला छोड़ देते थे और जब वो उसे बुलाते थे Mishbil उनके पास आ जाता था और Mishbil ज्यादा टाइम खेलने में बिताता था. उसे खेलना बहुत पसंद था. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player using all four feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. Flick is a quick, light movement. So, yahan par Gavin hame bata rahe hain ki Mishbil kis kis tarah ki games khelta tha. वो कह रहे हैं कि वो काफी घंटों तक एक रबर की बॉल को शफल करता रहता था और ऐसे लगता था कि चार पैरों वाला सॉकर प्लेयर है जो कि इस बॉल के साथ खेल रहा है. वो अपने चारों पैरों के साथ बॉल को ड्रिबल करते थे यानी कि उसे बार बार फर्श पर हिट करके आगे की तरफ ले जाते थे और फिर वो उसे बहुत तेजी से घेर भी पाता था विद अ पावरफुल फ्लिक. बहुत ही जोर से वो बॉल को हिट करता था और बॉल दूर जाकर गिर जाती थी. फिर वो कहते हैं कि जो बॉल है इतनी हाइट पर और इतने डिस्टेंस कवर करके गिरती थी कि वो भी हैरान हो जाते थे. बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज. जगल्स मीन्स चीजों को अपने हाथ में घुमाना. यहाँ पर राइटर ऑटर्स की रियल प्ले यानी कि उनके फेवरेट खेल के बारे में बता रहे हैं. वो क्या है? वो अपनी पीठ पर लेट जाते हैं और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपने पॉज में पकड़कर एक हाथ से दूसरे हाथ में जगल करते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं. ये उनका सबसे मनपसंद खेल है. मार्बल्स वर मिड्स फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास्ट टाइम. He would lie on his back, rolling two or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. Belly means stomach. अब ये जो otters का favorite खेल है, उसके लिए Mishbil क्या करता था? Marbles use करता था. Marbles क्या होते हैं? Glass की बनी हुई छोटी-छोटी round balls, इस तरह की. तो वो क्या करता था? दो या दो से ज्यादा मार्बल्स ले लेता था, अपनी पीठ पर लेट जाता था और इन मार्बल्स को
अपनी फ्लैट बेली पर रोल करता रहता था और कभी भी इस मार्बल को नीचे फर्श पर गिरने नहीं देता था। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England and to Camisferna. Dreaded means किसी चीज से fear करना, डरना. Prospect means was in great fear of something that would happen in the future. तो गैविन को इस विचार से भी डर लग रहा था कि वो कैसे मिशबिल को बसरा से इंग्लैंड लेकर जाएंगे और फिर इंग्लैंड से कैमिसफर्ना लेकर जाएंगे और वहां पर उसका ध्यान कैसे रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप पर, ये जो ऑरेंज कलर्ड एरिया है ये है इराक और ये है इंग्लैंड, और यहाँ पर कहीं पर नदर्न यूरोप में है कैमिसफर्ना। तो राइटर को उसे पहले यहाँ से यहाँ लेके जाना था और फिर यहाँ से यहाँ, तो वो सोच रहे थे कि इतना डिस्टेंस वो कैसे ट्रेवल करेंगे मिशबिल के साथ और उसे कैसे संभालेंगे। ये सब सोच के उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंडन। अब जो ब्रिटिश एयरलाइंस है वो अपनी फ्लाइट पर एनिमल्स को अलाउ नहीं करती, इसीलिए गैविन ने पेरिस तक एक अलग फ्लाइट बुक की और फिर पेरिस से लंदन के लिए सेकेंड फ्लाइट बुक की। पेरिस वी ऑल नो इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो उन्होंने अपने ट्रिप को टू पार्ट्स में ब्रेक किया, पहला पार्ट था बसरा टू पेरिस एंड सेकेंड वॉज पेरिस टू लंडन। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिड शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। अभी जो एयरलाइंस थी इन्होंने एनिमल्स तो अलाउ कर दिए थे लेकिन उनकी स्पेसिफिकेशंस थी और वो ये थी कि मिजबिल को एक स्क्वायर शेप के 18x18 इंच के डब्बे में डाला जाए और राइटर उसे अपने साथ ही कैरी करेंगे। I had a box made and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. Custom means to get used to something, किसी चीज की आदत डाल लेना। गैविन ने एक स्पेशल बॉक्स बनवाया जिसमें वो मिशबिल को रखेंगे। उन्होंने एक घंटा पहले ही मिशबिल को उस बॉक्स में डाल दिया ताकि वो उसके साथ यूज्ड टू हो जाए, फेमिलियर हो जाए, और उसे इस बॉक्स में रखकर वो एक मील खाने के लिए चले गए, खाना खाने के लिए चले गए। When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. Appalling spectacle means a shocking scene. Trickled means to flow out. जब खाना खाके गैविन वापस आए तो वो शॉक्ड थे। उन्होंने क्या देखा कि डब्बे के जितने भी होल्स थे और जो ढक्कन में गैप्स थे वहां से खून फ्लो करके बाहर आ गया था और सूख कर जम गया था। तो उन्होंने क्या सोचा, ऑब्वियसली उन्होंने यही सोचा कि मिजबिल को कुछ हो गया है, वो इंजर्ड हो गया है और ये उसका खून ही है जो फ्लो करके बाहर आ गया है। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड एंड मिज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग। विप्ड ऑफ मीन्स क्विकली टुक ऑफ। जैसे ही गैविन ने देखा कि डब्बे में से खून निकल रहा है उन्होंने फटाफट डब्बे का ताला खोला, ढक्कन को फाड़ा और मिज को देखा। वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और खून से लथपथ था। उसने विम्पर किया यानी कि राइटर को देख के उसने आवाजें निकाली और उसकी टांग के साथ चिपक गया। क्या किया था मिजबिल ने, उसने अपने को इस डब्बे में से आजाद करने के लिए, बाहर निकलने के लिए उस डब्बे में से होल्स में से हाथ घुसाए, अपनी बॉडी को उसमें से निकालने की कोशिश की, और जैसे कि ये बॉक्स की जो लाइनिंग है वो मेटल की बनी हुई थी वो इंजर हो गया और उसका ब्लड निकलने लग गया जो कि डब्बे में से बाहर बह रहा था। He had torn the lining of the box to shreds. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight. And the airport was 5 miles distant. Shreds means into thin pieces, पतले पतले टुकड़े कर देना। मिशबिल ने क्या किया था, उसने डब्बे की जो सारी लाइनिंग थी अंदर का जो हिस्सा था उसे काट दिया था।
और अंदर क्या हो गया था, उसकी वजह से तीखे तीखे किनारे निकल आए थे। तो गैविन ने ये सारे तीखे किनारे निकाले और जब तक उन्होंने डब्बे को वापस से साफ किया ताकि वो मिशबिल को उसमें रख सकें, फ्लाइट के लिए सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और एयरपोर्ट उनके यहाँ पर से अभी 5 माइल्स की दूरी पर था। माइल्स इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये लोग अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो गए थे बिकॉज ऑफ ऑल दिस। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इन टू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड। अब गैविन ने डब्बे पे ताला नहीं लगाया, उन्होंने मिजबिल को डब्बे में रखा और ढक्कन को अपने हाथ से पकड़कर बंद कर लिया। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ रिकॉर्डिंग बुलेट। व्हाट्स अ रिकॉर्डिंग बुलेट? अ बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। एक ऐसी गोली जो कि यहां से अगर आपने शूट की इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक सरफेस पे हिट करेगी और डायरेक्शन बदल लेगी, फिर यहाँ हिट करेगी तो डायरेक्शन बदल लेगी। दिस इज अ रिकॉर्डिंग बुलेट। तो यहाँ पर गैविन ये बता रहे हैं कि जैसे ही वो एक टैक्सी में बैठे और मिजबिल का डिब्बा उनके साथ पड़ा हुआ था और वो लोग फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे, तो टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी बहुत तेज चलाई, जैसे कि रिकॉर्डिंग बुलेट होती है जो कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तेज तेज चेंज करती रहती है। The aircraft was waiting to take off and I was rushed through it by infuriated officials. Infuriated means very angry. अब जबकि ये कहानी है 1956 की, तब क्या होता था? Airplanes में travel करना बहुत ही rare बात थी और अगर कोई passenger late हो जाता था और वो call कर देता था airport authorities को कि वो पहुंचने वाला है, तो वो लोग उसकी wait करते थे। तो ऐसे ही ऑल्दो एयरप्लेन के टेक ऑफ होने का टाइम हो गया था, वो लोग गैविन की वेट कर रहे थे और जब वो लेट वहां पर पहुंचे तो एयरलाइन की अथॉरिटीज बहुत गुस्से में उन्हें एयरप्लेन तक ले गई। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। एरोप्लेन में गैविन की सीट एकदम आगे की थी और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess and gave her a parcel of fish for Mitch to keep in a cool place. Gavin अपने साथ मछलियों का एक डब्बा भी लाए थे जो कि मिच का खाना था। उन्होंने मिच का डब्बा नीचे फर्श पर रखना था, इसलिए उन्होंने पहले नीचे न्यूज़पेपर्स बिछा लिए और फिर एयर होस्टेस को बुलाया कि वो मिच के खाने के डब्बे को फ्रिज में रख दे। I took her into my confidence about the events of the last half hour. Confidence here means shared with her my experiences or secrets. Gavin ने एयर होस्टेस को पिछले आधे घंटे के सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताया। वो क्या इंसिडेंट्स थे? कैसे मिज ने अपने आप को डब्बे में से निकालने की कोशिश करते वक्त इंजर कर लिया था, वो खून से लथपथ हो गया था और फिर राइटर ने डब्बे को साफ किया, उसमें से सारे शार्प एजेस निकाले और यही सब करते करते वो लोग लेट हो गए थे। ये सारी बात राइटर ने एयर होस्टेस को बताई। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। प्रोफाउंड मीन्स डीप, एडमिरेशन मीन्स किसी को पसंद करना। राइटर कहते हैं कि उनके दिल में इस एयर होस्टेस के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेज है, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि वो एक क्वीन की तरह है क्योंकि उसने राइटर की बहुत ज्यादा हेल्प की। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माय पेट ऑन माय नी एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माय ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मींस द क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल। एयर होस्टेस ने राइटर को ये कहा कि आप मिजबिल को अपनी गोदी में भी रख सकते हैं और राइटर कहते हैं कि मैं उसको इतना थैंकफुल था कि मैं उसका हाथ भी किस कर सकता था एज अ टोकन ऑफ थैंक्स। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलो। जैसे कि गैविन ने रिसेंटली एक ऑटर को पेट बनाया था, उन्हें नहीं पता था कि ऑटर्स कैसे बिहेव करते हैं, अगर वो उसे पब्लिक प्लेस में ले जाएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसलिए जैसे ही उन्होंने इसको अपनी गोदी में रखा
उसके बाद जो कुछ हुआ उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। क्या हुआ? मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। फ्लैश मीन्स वेरी क्विक, इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स। जैसे ही गैविन ने मिच को डब्बे में से निकाला वो गायब हो गया और वो एयरक्राफ्ट के निचले हिस्से में चला गया और गुम हो गया। There were squawks and shrieks as a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat! A rat!" I caught sight of Mitch's tail disappearing beneath the legs of a portly, white-turbaned Indian. Portly means stout or fat. अब कुछ passengers ने मिच को घूमते हुए देखा और एक लेडी तो डर के मारे अपनी कुर्सी पर ही चढ़ गई और चिल्ला रही थी कि देखो देखो चूहा है। और जैसे ही राइटर ने उस डायरेक्शन में देखा तो उन्होंने देखा कि मिचबिल की टेल एक वाइट कलर की टर्बन पहने हुए सरदार जी के पीछे जा रही है। तो उसे ये पता लग गया कि मिचबिल कहां पर है। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। जैसे ही गैविन ने मिचबिल की पूंछ देखी उसने उसकी तरफ छलांग लगाई। अब वो मिचबिल को तो नहीं पकड़ पाया लेकिन उसका पूरा मुंह करी में गिर गया। तो किसी के टेबल पर खाना पड़ा होगा और राइटर उसमें पहुंच गया, उसमें लैंड कर गया और उसके पूरे फेस पर करी लग गई। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. Resume means to take back something. अब ये जो एयर होस्टेस है इसने बहुत ही अट्रैक्टिव सी स्माइल रखी हुई थी, ये बहुत ही काम थी, ये घबराई नहीं थी और इसने गैविन को कहा कि आप शांति से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए और मैं इस जानवर को ढूंढकर आपके पास वापस ले आऊंगी। आई रिटर्न टू माई सीट। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस्ड चिटर ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम। Craning my neck means stretching my neck. राइटर अपनी सीट पर तो जाकर बैठ गए लेकिन फिर भी वो अपनी गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश कर रहे थे कि एयर होस्टेस मिचबिल को कैसे पकड़ती है। और तभी उन्हें अपने पैरों में से मिचबिल की आवाज सुनाई दी, अ डिस्ट्रेस्ड चिटर। डिस्ट्रेस्ड मीन्स वो मदद मांग रहा था राइटर से और उसने उन्हें कहा कि हाँ मैं आपको पहचानता हूँ, आप प्लीज मुझे बचा लो। तो जैसे ही मिचबिल को ये पता लगा कि इतने सारे लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने ओनर के पास चला गया क्योंकि वो ही एक ऐसा इंसान था जिसे वो पहचानता था और वो उसके पास मदद मांगने गया था। एंड मिच बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगैन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। बाउंडेड ऑन टू मीन्स क्लाइंब्ड अप क्विकली, नजल मीन्स टू रब जेंटली विद द नोज। जैसे ही गैविन ने मिचबिल को अपनी गोदी में उठाया वो उनकी घुटनों पर चढ़कर उनकी गोदी में बैठ गया और उनके फेस और गर्दन को अपनी नाक के साथ मलने लग गया रिकॉग्निशन में। मिचबिल गुम गया था, वो अपने मालिक को ढूंढ रहा था और जैसे ही उसे गैविन मिले वो ऐसे उनके साथ लग गया और उनके फेस और नेक पर अपनी नोज मलने लगा। मिच एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. Terrapin shell is the shell of a small turtle found in North America. तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि वो और मिचबिल एक महीने तक लंदन में रहे और वहां पर मिचबिल अलग अलग खिलौनों के साथ खेलता था। उसके टॉयज क्या थे? पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स और एक टर्टल की शेल जिसे कि वो इराक से अपने साथ लाए थे। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम इनग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम। इनग्रॉस्ड मींस कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन। जब आप किसी चीज में मस्त हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, इतना इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो जो पिंग पोंग बॉल है ये उसकी फेवरेट गेम थी, वो उसके साथ बहुत देर तक खेलता रहता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged in the journey home
so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. What is a slope? Ek dhalan. Aise. Dhalan. Yahan se yahan tak. Tedha hona. तो राइटर का एक सूटकेस था और जब वो वापस इराक से जा रहे थे तो उनका सूटकेस ट्रैवलिंग में डैमेज हो गया था और उसके क्या एक स्लोप बन गई थी, यानी कि एक किनारा, यानी कि एक किनारा ऊंचा था, दूसरा किनारा नीचे था, तो एक ढलान बन गई थी. मिजबिल क्या करता था? मिज डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस. मिजबिल ने ये डिस्कवर किया कि एक नई गेम है. वो क्या गेम है? सूटकेस के ऊपर. अब सूटकेस का एक किनारा ऊंचा था और एक किनारा नीचा था, तो मिजबिल क्या करता था, एक किनारे के ऊपर, ऊंचे वाले किनारे के ऊपर एक बॉल रख देता था और वो क्या देखता था कि बॉल ऐसी रोल होती हुई नीचे वाले किनारे तक चली जाती थी और ये उसकी गेम थी, वो ऐसे खेलता रहता था. ही वुड डैश अराउंड to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. Ambush means to attack suddenly from a hidden position. Crouching means to bend in order to hide, किसी चीज़ से छुप जाना. Spring up means अचानक से छलांग लगा देना, jump कर देना. तो मिजबिल exactly ये game कैसे खेलता था गैविन डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं. वो क्या कहते हैं, जैसे ही वो हाई एंड से बॉल को छोड़ता था वो लो एंड की तरफ भाग कर जाता था, डैश मींस टू रन एट अ ग्रेट स्पीड, और वहां जाके छुप जाता था, बॉल के पहुंचने की वेट करता था, और जैसे ही बॉल वहां पर पहुंचने वाली होती थी वो छलांग लगाता था और ऐसे एक्ट करता था कि वो छुप कर उस पर अटैक कर रहा है और सरप्राइज से उसे एकदम से हैरान कर देता था, उसे उठा लेता था और फिर से हाई एंड की तरफ भाग जाता था. ट्रॉट ऑफ मींस टू रन एट अ लो स्पीड. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मिजबिल ये गेम कैसे खेलता था. वो ऐसे ही इमेजिन करता था कि जो बॉल है वो कोई लिविंग बीइंग है या उसे पता है कि मिजबिल क्या कर रहा है, तो वो उसके साथ लुका छुपी की घेर, लुका छुपी की खेल खेलता था. वो हाई एंड से बॉल को छोड़ देता था और फटाफट भाग के लो एंड पर चला जाता था और छुप जाता था. जैसे ही बॉल लो एंड पर पहुंचने वाली होती थी वो अचानक से छलांग लगा के ऐसे एक्ट करता था कि वो बॉल के साथ एक अटैक कर रहा है और उसे सरप्राइज कर रहा है और उसे उठा लेता था और फिर से हाई एंड की तरफ भाग जाता था. Outside the house, I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog. अब Gavin को आदत थी एक डॉग को पेट रखने की और उसी तरह से वो ऑटर को भी ट्रीट करते थे, वो मिजबिल को भी बाहर एक्सरसाइज के लिए ले जाया करते थे. Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings or pass to the outside of every second lamp post. Compulsive habits means those habits which are impossible to control. Means वो आपकी नेचर का हिस्सा बन जाती हैं और आपको भी नहीं पता लगता कि वो कोई हैबिट है क्योंकि वो एक natural way of living बन जाता है. Rituals here means the habits, आदतें. Upright means post or rod placed straight up, यानी कि एक post, जैसे कि lamp post जिसके ऊपर lamp लगा होता है या railing का post. तो जब भी writer Mitch को बाहर खेलने के लिए ले जाया करते थे, सैर करने के लिए ले जाया करते थे, Mitch ने कुछ habits form कर ली, जैसे कि school के बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं या स्कूल से वापस आ रहे होते हैं वो भी कुछ टिपिकल हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं. क्या हैबिट्स हैं? दो तीन एग्जांपल्स दिए हैं राइटर ने. पहली हैबिट तो ये है कि कई बच्चे क्या करते हैं, हर ब्लॉक, हर पेविंग ब्लॉक, यानी कि अगर वो एक ब्लॉक्स वाले फ्लोर पर चल रहे हैं तो हर ब्लॉक के सेंटर में पैर रखते हैं जब वो चलते हैं. सेकेंड आदत है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब वो चल रहे होते हैं तो अगर साइड पर कोई रेलिंग लगी होती है
तो वो इस रेलिंग के हर सेवेंथ रेल या पोल को टच करेंगे। और थर्ड हैबिट क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं, अगर जब वो चल रहे हैं तो रास्ते में लैम्प पोस्ट लगे हुए हैं तो वो एक लैम्प पोस्ट के अंदर घुस जाएंगे, दूसरे के बाहर आ जाएंगे, फिर अंदर घुस जाएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। तो ऐसी जो हैबिट्स हैं, बच्चे ऐसी अलग अलग हैबिट्स फॉर्म कर लेते हैं जब वो हर रोज रूटीन में वॉक करके स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं। तो इसी तरह की कुछ हैबिट्स मिजबिल ने भी डेवलप कर ली थी। ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल अलोंग हूज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम 2 feet हाई। गैविन के अपार्टमेंट के सामने एक स्कूल था जिसकी एक छत थी। सिंगल स्टोरी मीन्स हैविंग ओनली वन रूफ, वन फ्लोर, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्टेड था। और ये प्राइमरी स्कूल था, यानी कि छोटे बच्चों का स्कूल था। और इस स्कूल की फ्रंटेज यानी कि आगे के हिस्से में एक नीची हाइट की, लो हाइट की वॉल थी जो कि ऑलमोस्ट 2 feet की हाइट की थी, 2 feet हाई। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, जंप ऑन टू इट एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and of staff within. Tug means to pull hard at something. अचानक से किसी को जोर से खींच लेना। Gallop means to proceed at great speed, बहुत तेजी से भागना। Distraction means something that takes away one's attention from what one is doing. किसी के माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन को खत्म करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। अब ये लोग जब सैर करने जाते थे और सैर करके जब वापस घर आ रहे होते थे तब मिजबिल कुछ करता था। वो क्या करता था, वो गैविन को इस स्कूल की दीवार की तरफ जोर से खींच लेता था और दीवार के ऊपर जंप करके चढ़ जाता था। फिर दीवार की पूरी जो लेंथ थी 30 yards की लेंथ, यार्ड इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो वो इस पूरी 30 yards की लेंथ के ऊपर तेज तेज दौड़ता था। और जब वो ऐसा करता था तो स्कूल में बैठे हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स और बाकी का स्टाफ सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और मिजबिल की तरफ देखने लग जाते थे। इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, बट द वैरायटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी। अब राइटर ये बता रहे हैं कि ऑटर्स आर नॉट फाउंड इन लंडन, इसीलिए लंदन के सब लोग मिजबिल को देखकर बहुत हैरान होते थे और अलग अलग तरह के गेसेस करते थे कि ये किस तरह का जानवर है। उन्हें ये नहीं पता था कि ऑटर्स नाम का भी कोई जानवर एग्जिस्ट करता है। राइटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते थे उनके गेसेस सुनकर, क्योंकि वो लोग बहुत अजीब अजीब तरह के नाम गेस करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मिजबिल एक ऑटर है। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. यहाँ पर राइटर हमें ऑटर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि एक जाति है जानवरों की जिसका नाम है mustelines, और उसमें इस तरह के सारे जानवर आते हैं और उसी में ऑटर्स भी फॉल करते हैं। I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelines but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. Continuous barrage of conjectural questions ka matlab hai a stream of questions filled with guesses. Mustelines here refers to the subfamily of animals which includes otters, weasels and minks. Ab bahut sare log aise hote the jo ki गेस करते थे कि मिजबिल किस तरह का जानवर है। और गैविन कहते हैं कि लोग उससे अलग अलग तरह के सवाल पूछते थे कि क्या ये वीजल है, क्या ये मिंक है, और कभी कभी वो कहते थे क्या ये बेबी सील है, क्या ये स्क्विरल है, लेकिन कोई भी ऑटर नाम नहीं लेता था। तो राइटर को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम होती थी कि लोग अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं, गेस करते हैं कि ये किस तरह का जानवर है, लेकिन कोई भी ऑटर नाम नहीं लेता। इज दैट अ वॉलरस
Mister reduced me to giggles, and outside a dog shop, I heard a hippo. तो यहाँ पर गैविन बता रहे हैं सबसे ज्यादा स्ट्रेंज नाम जो उन्होंने सुने. एक बार किसी ने पूछा कि क्या ये एक वॉल्रस है. वॉल्रस इज अ सी एनिमल. और फिर जब वो एक डॉग शॉप क्रॉस कर रहे थे तो किसी ने कहा कि लगता है ये एक हिप्पो है. तो मिचबिल के लिए लोग अलग अलग तरह के नाम लेते थे क्योंकि ये ऑटर्स लंदन में एक अननोन वेराइटी थी एनिमल्स की और लोगों को ये नहीं पता था कि ऑटर्स भी किस तरह के जानवर होते हैं. अ बीवर, अ बियर कब, अ लेपर्ड, वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स एंड अ ब्रोंटोसॉर. मिच वॉज एनी थिंग बट एन ऑटर. तो और जो गेसेस लोग करते थे वो क्या क्या थे. बीवर, बेयर कब, लेपर्ड जिसके डॉट्स चले गए थे एंड ब्रोंटोसॉर. तो इतने अलग अलग इतने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस थे जो कि लोग करते थे लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि मिचबिल एक ऑटर है. बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट. अब गैविन को बहुत सारे अलग अलग गैसेस सुनने को मिलते थे. लोग अलग अलग जानवरों के नाम लिया करते थे गैस करने के लिए कि मिचबिल किस वेराइटी का जानवर है. और गैविन कहते हैं कि हाईएस्ट स्कोर वाला जो क्वेश्चन था यानी कि सबसे हाईएस्ट और बेस्ट गैस क्या था. एक लेबरर था जो कि एक स्ट्रीट में होल डिग कर रहा था और उसने क्या पूछा गैविन से. आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स एंड बिगैन टू स्टेयर. तो अब ये सोचिए कि ये लेबरर यहां पर खड़ा हुआ है और गैविन यहां पर है और उनके साथ ऑटर है मिचबिल. तो इस लेबरर ने उन्हें देखते ही क्या किया, अपने टूल को नीचे रख दिया, अपने हाथ अपने हिप्स पर रख लिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा शॉक्ड था. और वो गैविन और मिचबिल को घूरने लग गया. एज आई ड्रू नियरर, जैसे ही गैविन थोड़ी पास पहुंचे, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रंट एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन हूम टू प्ले जोक्स. अफ्रंट मीन्स इंसल्ट. तो जैसे ही गैविन उसके पास पहुंचे उन्होंने देखा कि ये आदमी सरप्राइज्ड है और ऐसा लग रहा है कि उसे इंसल्टेड फील हो रहा है, जैसे कि पता नहीं गैविन ने उसके साथ कोई मजाक किया है. तो वो इतना अजीब सा एक्सप्रेशन दे रहा था मिचबिल को देखकर. आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, ही स्पैट, ग्लेयर्ड एंड देन ग्राउल्ड आउट, हेयर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज्ड टू बी. Abreast means alongside, यानी कि side by side. The writer यहां से यहां पहुंचे और जैसे ही वो इस laborer के बिल्कुल सामने आ गए, बिल्कुल opposite, यहां पर writer खड़े हैं और यहां पर है मिचबिल. Spat means to spit, थूकना. तो जैसे ही Gavin इसके एकदम सामने पहुंचे तो इस laborer ने क्या किया, इसने नीचे फर्श पर थूका और उन्हें घूरा और जोर से बोला. क्राउड मींस बहुत जोर से बोलना. और उसने क्या कहा, हे मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज्ड टू बी. तो उसने कोई गैस नहीं किया, किसी जानवर का नाम नहीं लिया. उसने क्या कहा, मिचबिल को देखकर उसकी तरफ इशारा करके कहा कि ये क्या है. और ये जो सवाल था, ये जो एक्सप्रेशन था इस लेबरर का, गैविन इसे कहते हैं कि ये बेस्ट रिएक्शन था किसी का और वो उसे मैक्सिमम पॉइंट्स अवॉर्ड कर रहे हैं कि जितने भी लोगों ने गेसेस किए मिचबिल को देखकर कि ये किस तरह का जानवर है, इसमें इस आदमी का रिएक्शन और इसका सवाल बेस्ट था. तो ये एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट है जो कि राइटर हमें बता रहे हैं. और वो ये कहना चाहते हैं कि लंदन के लोगों को ऑटर्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए कितने अलग अलग और फनी इंसिडेंसेस होते थे जब वो मिचबिल को घर से बाहर लेकर जाते थे. इसके साथ ही ये स्टोरी खत्म हो जाती है एंड वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप इट्स यूजफुल टू यू. एंड फॉर मोर लेसन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अकेडमी.